ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जिले में स्थित विभिन्न मंदिरों में प्रबंध कार्यकारिणी बनाने के विरोध में पुजारी उत्थान और कल्याण समिति ने आपत्ति जताई है। दरअसल शहर में कलेक्टर और अधिकारी अवैध कार्यकारिणी और मंदिर प्रबंधन समिति गठित करने जा रहे हैं, जिसे लेकर पुजारी उत्थान और कल्याण समिति संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंची और संभाग आयुक्त, मुख्य सचिव और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को फैसले को रद्द किए जाने की मांग की। समिति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आम मठ मंदिरों को सरकारी दायरे में नहीं लिया जा सकता है, वहीं देवभूमि सरकारी दायरे में आ सकती है जिससे सरकार ने अधिकृत की हो। ये मठ मंदिरों का सरकारीकरण होने से और प्रबंधक कलेक्टर हटाने से, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट की कॉपी भी हमने कमिश्नर साहब को दी है, और ये चाहा है कि ये जो समितियां बना रहे हैं ये अवैध है, उससे अलग हटकर के पहले इन्होंने 27/1/2001 से ग्राम सभाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकृत किया और अनुविभागीय अधिकारी को नगरीय क्षेत्र में स्थापित किया।